पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भले ही पार्षदों की सीटों में इजाफा कर लिया हो, लेकिन जनता ने इस बार कई पार्षदों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनता ने इस बार खुद को दिग्गज मानने वाले पार्षदों को घर बैठा दिया और उनके स्थान पर दूसरे को पार्षद बना दिया। हालांकि मुरादाबाद की जनता अपने नेताओं से प्यार बहुत करती है, लेकिन वो बदले में नेताओं से भी अच्छा व्यवहार, प्यार और शहर का विकास जैसी उम्मीद रखती है। इस बार नगर निकाय चुनाव 2023 में बहुत से पार्षद ऐसे भी रहे हैं जिन्हें क्षेत्रों की जनता ने या तो बिल्कुल ही हरा दिया या फिर बहुत से पार्षदों को किनारे पर लाकर ही जीत का मुंह दिखाया है। दरअसल इस बार निकाय चुनाव में बार बार पार्षदों की अहंकार भरी बातें सामने आ रही थी। चुनाव लड़ने वाले भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों ने अहंकार में बस एक ही बात कही कि हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मोदी और योगी के नाम पर वोट मिल जाएगा। चुनावी सफर में जब जनता के बीच ये बातें पहुंची तो वोटर्स को निवर्तमान पार्षदों और प्रत्याशियों की ये बातें पसंद नहीं आई। अपनी नापसंदी का जवाब वोटर्स ने प्रत्याशियों को कुछ ऐसा दिया कि वो भूल भी नहीं पाएंगे। मतदान से एक दिन पहले ही वोटर्स ने अपना मन बना लिया और प्रत्याशियों की किस्मतों का फैसला कर दिया, जिसके परिणाम ये रहा कि इस बार दिग्गज पार्षदों की पार्षदी चली गई और बहुत से ऐसे पार्षद बने कि बस भगवान भरोसे। हालांकि जीत एक वोट की भी होती है, लेकिन इस बार महापौर से लेकर पार्षदों के पक्ष में आए कम मार्जिन वाले परिणाम ने साफ कर दिया कि इस बार क्षेत्र की जनता के अनुरूप काम नहीं किया तो उनकी सीट पर काबिज कोई अन्य प्रत्याशी भी हो सकता है। इस बार निकाय चुनाव में उतरे प्रत्याशियों ने शुरुआती दौड़ में ही साफ कर दिया था कि भाजपा और योगी मोदी के नाम पर हमें आसानी से वोट मिलेगा और हम जीत हासिल करेंगे। प्रत्याशियों का ये सपना देखना लाजमी भी था, क्योंकि योगी और मोदी का जादू जनता पर बरकरार है। लेकिन निकाय चुनाव की दौड़ में शामिल प्रत्याशियों की ये बात जब जनता के बीच पहुंची तो वोटर्स ने बता दिया कि ये योगी और मोदी के नाम पर चुनाव नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, जिसका परिणाम ये रहा कि इस बार सभी पार्टियों के कई दिग्गज अपनी सीट नहीं बचा पाए और पार्षद ही भी खो बैठे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।